चलिए रुख अगली खबर का। यूपी सरकार के शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में स्वेटर बांटने की प्रक्रिया भी ठंड के साथ ठिठुर गई है। अभी भी जिले के 50,000 बच्चों को विभाग स्वेटर मुहैया नहीं करवा पाया है, जबकि 30 नवंबर तक सभी स्कूलों में स्वेटर बांटे जाने का दावा किया गया था। दिन ब दिन सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अभी भी बांदा के गरीब मासूम बिना स्वेटर के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। शिक्षा विभाग अभी भी अपना काम पूरी तरह से करने में असमर्थ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक सभी विद्यालयों में स्वेटर का वितरण नहीं हो पाया है। ठंडी लग रही है, स्वेटर मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मैम, जब आ जाएंगे जब दे देंगे। और जैसे ठंडी में क्या करती है, फिर ठंड लगती है तो कैसे पढ़ता है? बैठ के पढ़ते हैं। ये स्वेटर मिले हैं आप लोगों को? नहीं। क्यों नहीं मिले? सर जी कहते अभी नहीं मिलेंगे। ठंडी लगती है? हाँ। कितने बजे स्कूल आती हो? 9:30 बजे। स्वेटर आएंगे जब मिल जाएंगे। तो क्या करती हो फिर ठंडियों में, कैसे क्या पढ़ाई करती हो? जब ठंडी लगती है तो धूप में बैठ जाते हैं। बांदा जिले के अभी भी कई ऐसे ग्रामीण इलाकों के विद्यालय हैं जहां पर अभी तक स्वेटर नहीं बांटे गए हैं। बुंदेलखंड में 20 नवंबर के बाद से ही कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। कोहरा और सर्दीली हवाओं से लोग ठिठुर रहे हैं, ऐसे में शिक्षा विभाग के अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। लगती है इसको, स्वेटर मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिले। अच्छा, क्या कह रहे हैं, कब तक मिलेंगे? तो कैसे क्या ठंडी में क्या करते हो फिर? और नहीं तो धूप में बैठ जाता। अच्छा, अभी हमको स्वेटर नहीं मिले। मैडम हमको धूप में बैठाती हैं और ठंड लगने में हमको धूप में भी बैठाती हैं। ठंड तो लगती है कि नहीं लगती है? जी लगती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे बिना स्वेटर और जूते के ही स्कूल जाने को मजबूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते मासूमों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अध्यापकों की माने तो अभी तक BRC से स्वेटर नहीं मिले हैं। पूर्व माध्यमिक विद्यालय बजुडेरा में सहायक अध्यापक पद पर हूं। अभी BRC से हम स्वेटर नहीं मिले हैं, अतः इस वजह से स्वेटर बच्चों को वितरित नहीं किए गए हैं। आप लोग? जी हम धूप में बैठाते हैं बच्चों को ठंड की वजह से। कितनी दूर दूर से बच्चे आते हैं? गांव से आते हैं। तो बच्चों को परेशानी तो होती होगी ठंड में? जी ठंड में होती है। आप लोगों ने मांग की कि जल्दी स्वेटर मिल जाए तो बच्चे आए बच्चों को, तो पता चला कि आने वाले हैं स्वेटर। जब इस मामले में BRC अधिकारी से पूछा गया तो उनका कहना था कि 90% वितरण हो चुका है, बाकी के स्वेटर भी जल्द ही बांट दिए जाएंगे। हमारे यहाँ स्वेटर वितरण कार्य बहुत तेजी से गति में है और मैक्सिमम जगह तो हो गया है और जो जगह बाकी है वो तो 3 दिन में हमारे यहाँ सारा वितरण पूर्ण हो गया। अभी तक लगभग कितना? अभी तक लगभग 90% हो गया। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत कम वितरण है। वितरण हो रहा है, लगातार हो रहा है हमारे यहाँ और जल्दी हो जाएगा। हो गया भैया, हो गया। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।